नमस्ते, वेलकम टू चैनल मेकअप लाइफ स्टाइल विद दीपिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज 13 नवंबर, तो ये 4 दिन बहुत ही टायरिंग रहा। मैंने 3-4 दिन पहले ही व्लॉग बनाया था, उसके बाद मैं आज कैमरा पकड़ रही हूँ। ये 4 दिन बहुत ही काम था दोस्तों। इतना सामान है, दोनों घर से सामान आया था, तो सब कुछ अनपैक करके फिर सब कुछ सेट करना, तो रात के 2-3 बजे तक हमने ये सब किया। एंड मेरा ज़्यादा ही सामान था, तो मुझे तो करना ही है, क्योंकि मेरा सामान है तो मुझे ही रखना पड़ेगा। मुझे जब चाहिए तो मुझे ही निकालना पड़ेगा, तो वो सब के लिए बहुत टाइम लग गया। एंड पता नहीं क्या होगा शादी में, मैं पूरा थक गई हूँ दोस्तों। एंड बहुत ही काम होगा शादी के टाइम में भी, देन उसके बाद तो मेरे भाई की भी शादी है, तो पता नहीं क्या करेंगे। एंड आज ऑलमोस्ट घर सेट है हमारा, क्योंकि कल से घर में शादी का फंक्शन शुरू हो जाएगा। कल मेरे देवर का आशीर्वाद सेरेमनी है, तो लड़की वालों की तरफ से उनके घर वाले आएंगे हमारे घर मेरे देवर को, मतलब दूल्हे को आशीर्वाद देने। तो उस वजह से आज पूरा सेट करना था हमें, तो ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी बस रात को थोड़ा कुछ काम है। एंड अभी हम जा रहे हैं मार्केट, कल जो आशीर्वाद सेरेमनी है वहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वो सब लाएंगे। एंड देन 2 दिन बाद 16 को काली पूजा भी है, तो वो सब भी हम आज लेके आएंगे। आधा हम शॉपिंग कर ही लेंगे आज, तो बहुत कुछ लेना है। एंड देन आज थोड़ा पैम्परिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि शादी आ गई है तो मुझे सलोन भी जाना है। मेरे नेल्स की हालत देखिए, मैंने सोचा था कि एक्सटेंशन करवाऊंगी, पता नहीं अभी टाइम होगा कि नहीं नेल एक्सटेंशन एंड ऑल करने का। तो आज बस पेडिक्योर मुझे करवाना है। एंड देन शायद तो कैमरा बंद हो गया था, पता नहीं कैसे, तो नहीं फुल तो नहीं है मेरा मेमोरी। तो ये देखिए नेल्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब, तो सैलून जाना है, पेडिक्योर करवाना है, देन फेशियल भी करवाऊंगी मैंने सोचा है, तो एक साथ सब कुछ होगा। लेकिन टाइम उसमें बहुत लग जाएगा एंड आई डोंट नो कितना कुछ मैं कर पाऊँगी। एंड अभी मैं कैमरा भी पकड़ नहीं पा रही हूँ, हाथ इतना दर्द कर रहा है, तो इन दिनों तो साड़ी भी पहनना पड़ेगा, वो एक दूसरा टेंशन। साड़ी पहन के पूरा दिन तो नहीं रह सकते, पता नहीं फंक्शन के टाइम में सिर्फ साड़ी पहनूंगी, तो ये साड़ी पहनना भी एक बहुत ही झमेला है। 1-2 घंटे के लिए फिर भी पहन सकते हैं, लेकिन पूरा दिन पता नहीं मम्मी लोग कैसे ये मैनेज कर पाते हैं। एंड जो साड़ी पहन के पूरा दिन रहते हैं, ओह माय गॉड, हैट्स ऑफ, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। सो अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में, मैं और मेरे सासू माँ, हम दोनों जाएंगे मार्केट। एंड देन आके उन्हें मैं ड्रॉप करूँगी, एंड देन मैं चली जाऊँगी सलोन। एंड देन रात को थोड़ा डेकोरेशन एंड ऑल भी करना है, तो इस वीडियो को देखें, आई नो आपको अच्छा लगेगा। एंड आज ब्रेकफास्ट देर से हुआ था, तो घर में पकाने का अभी तक कुछ भी हमने सिस्टम स्टार्ट नहीं किया है। कल हमने फ्राइड राइस बना के खाया था, क्योंकि बाहर का खाना खा खा के पक भी गए हैं, तो कल का खाना हमने घर में ही बना लिया था फ्राइड राइस। एंड आज अभी देखते हैं, आज तो पॉसिबल नहीं होगा, आज बाहर से मंगवा के ही खाएंगे, वरना अगर खाने में अगर बिजी हो जाते तो घर सेट नहीं होता, तो इसलिए मंगवा के ही खा रहे थे। तो कल से वो घर का ही खाना होगा हमारा। सो अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, तो इस वीडियो को देखें एंड तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल, आई नो आपको अच्छा लगेगा वीडियोज़, क्योंकि अभी तो शादी वीडियोज़ शुरू हो गए हैं। सो कीप वॉचिंग। तो निकलते वक्त मैं फिर से मिलती हूँ आपसे। तो गणेशगुड़ी आ गए हैं, अभी हम लोग पहले साड़ियाँ खरीदने जा रहे हैं, जो थोड़े काम आएंगे शादी के टाइम पे। কালার এটা
धुलो भी आई तो कलर रखे के देखो एडु किमान 450 इट द सेम है जो तुम पिंक टाइम नहीं सेम डिजाइन है এইটো ফাস্ততে গলে 800 না হ্যাঁ এইটোই কইছে না না এইটোই গলে কিন্তু ফাস্ত হইছে ফাস্ত এইটোই চাইছিল না 800 বলে এরকম না 800 কইছে 800 না 1200 এই 800 না 800 না কইছে 800 তলত যাব साड़ियाँ खरीदने के बाद हम आ गए हैं डीके टावर। यहाँ से पूजा की सामग्री हम लेंगे। घर वापस आ गई हूँ एंड मैंने सैलून में कुछ सर्विस करवाया है। फेशियल आज मैंने किया है एंड इसका ग्लो तो 4-5 दिन बाद ही आएगा। एंड देन मैंने किया है पेडिक्योर एंड आज थोड़ा मैनीक्योर भी मैंने कर लिया। बहुत टाइम लग गया इसमें तो अभी 9 बज रहे हैं तो आज घर का खाना ही खाएंगे। दाल मैं बनाने जा रही हूँ एंड फिश फ्राई राइस, सिंपल खाना। डाइनिंग टेबल भी हमारा आ चुका है आज एंड घर बहुत सुंदर भी लग रहा है। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी डाइनिंग टेबल। तो अभी पहले मैं दाल बना लेती हूँ। दाल और राइस मैंने बना लिया है एंड मम्मी बना रही है फिश फ्राई। तो मैं आज कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये छोटे छोटे इस तरह के क्लिप्स है, क्लिप नहीं मतलब फ्लावर्स है आर्टिफिशियल। तो ये ऐसे मैंने सोचा है जब वो बन हो बनाऊँगी तो शादी के टाइम में शायद बन एंड ऑल भी बनाऊँगी हेयर बन, तो तब इस तरह से ये लगा सकते हैं तो ये अच्छा लगेगा। लेकिन ये काफ़ी महंगा है, 55 रुपीज़ का एक पीस है। तो मैं 5 पीस लेके आई हूँ, 2 वाइट एंड ये दो पिंक, 2 वाइट एंड 3 पिंक लेके आई हूँ। एंड और एक चीज़ एंड ये है एक ब्रोच जो मैं लेके आई हूँ। तो ये सामने साड़ी पे लगाने के लिए नहीं है, ये ब्लाउज़ के लिए मैंने लिया है। तो ये मुझे अच्छा लगा तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा, इस ब्लाउज़ के लिए मैंने लिया है। एंड सासू माँ ने भी कुछ कुछ चीज़ें खरीदा है। खाना खाने के बाद शायद फूल एंड ऑल का डेकोरेशन हम करेंगे, तो अगर किया तो ब्लॉग बनेगा, वरना यहीं पे एंड होने वाला है।
तो अभी मेरा जो ये बेडरूम है वो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। थोड़ा सा सिजल हुआ है सब कुछ, तो अभी ज़्यादा सेट तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने हटा दिया है, तो वो सब बाद में शादी के बाद ही मैं ठीक से प्लेस करूँगी। अभी कुछ चीज़ें ही मैंने रखा है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, आज नेक्स्ट डे एंड 14 नवंबर, आज है मेरे देवर का आशीर्वाद सेरेमनी। तो सुबह ढेर सारा काम हमने किया, अभी 10 बजने वाले हैं एंड घर पूरा भी रेडी करना है, तो खाना बनाना शुरू होगा। तो हमने वैसे कुक बुलाया है आज के फंक्शन के लिए, ज़्यादा लोग नहीं हैं, 20-25 ऐसे लोग होंगे, तो घर में ही कुकिंग एंड ऑल होगी। तो अभी शुरू करने वाले हैं, तो सब्जी एंड ऑल काट रहे हैं, तो अभी मैं जाके थोड़ा वो चढ़ाते हैं एक थाली, तो वो करूँगी किचन में। तो रिचुअल स्टार्ट हो गए शादी के, तो देखिए इस वीडियो को एंड तक, अच्छा लगेगा आपको। एंड मुझे तैयार भी होना है फटाफट ये सब करके, तो देखिए इस वीडियो को। आशीर्वाद सेरेमनी का जो कुकिंग है, तो वो शुरू करने से पहले मैं एक रिचुअल कर रही हूँ यहाँ किचन में। खाना शुरू करने से पहले जो रिचुअल था वो मैंने कर लिया, एंड अभी घर में बहुत हल्ला आवाज़ें हो रही है इसलिए मैं आ गई हूँ बाहर बालकनी में। तो अभी जो डेकोरेशन था मैंने सोच के रखा था कल रात को करूँगी, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि बाकी सारे काम मैं कर रही थी। तो अभी तो फूल एंड ऑल डेकोरेट कर लेंगे रूम। फूलों का डेकोरेशन तो हो गया है, अभी लाइट्स ऑन नहीं है वरना और अच्छा लगता है। यहाँ पे तो खाना बन रहा है, एंड इस दरवाजे में द मेन डोर, एंड यहाँ लाइट्स एंड ऑल ऑन कर दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी 11 बजने वाले हैं तो मैं अभी तैयार होने वाली हूँ, ना मुझे ही टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अभी एक बार चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं तैयार हो जाऊँगी। अभी 11 बज चुके हैं, मम्मी ने वैसे चेंज कर लिया है साड़ी, मैं दिखा नहीं पाई, तो अभी मैं आ गई हूँ चाय पीने के बाद, फिर मैं भी तैयार हो जाऊँगी। एंड इसी रूम में जो आशीर्वाद सेरेमनी है वो इसी रूम में होगा। वो आयरन कर रहे हैं, आयरन वाले और प्रेस, अच्छा प्रेस वाले। लाइट्स की कमी है, दूल्हे राजा के कपड़े प्रेस कर रहे हैं उनके भैया, आज दूल्हे राजा ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो मैं साड़ी दिखा देती हूँ, तो ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ आज, ये ब्लाउज, तो ये पहन लेती हूँ फिर आपको मेरा लुक दिखाऊंगी। एक छोटे से स्टूल में मैं बैठ गई हूँ, जल्दी जल्दी मेकअप करना है। तो रहने का ये लैक्मे लूमी क्रीम, ये मेकअप वीडियो हो रहा है क्या? नहीं नहीं बना सकती मेकअप वीडियो, सिंपल मैं थोड़ा हल्का सा लाइट वेट मेकअप करूँगी।
एक घंटे में मेकअप भी करना है, साड़ी भी पहनना है। सो मेकअप करना तो हो जाएगा, लेकिन साड़ी पहनना दिक्कत होता है। सो ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी ये सब। प्राइमर, दोस्तों मैंने आधा अधूरा शॉर्ट वीडियो बनाया था, लेकिन वो मैं अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि कंप्लीट नहीं कर पाई। एंड ये है थाली जिसमें है फ्लावर, क्योंकि ये जो फ्लोर है इसी जगह पे होगा आशीर्वाद सेरेमनी, तो यहीं पे थोड़ा रंगोली बनाना है विथ फ्लावर्स। तो देखिए डिज़ाइन मैं बना रही हूँ एंड मैं आपको पूरा डिज़ाइन दिखा दूँगी। अभी मैं ये छोटा सा कलश है इस पर सिंदूर लगा रही हूँ। एंड ये देखिए मैं कैसे सिंदूर लगा रही हूँ। अभी मैंने ये पान के पत्ते लिए हैं, इन पे भी मैं सिंदूर लगाऊंगी एकदम जो नीचे पॉइंट है वहां पे। ये देखिए उंगली से लगा रही हूँ मैं सिंदूर। तो देर हो रहा था इसके बाबाई की मम्मी काकी मोनी ने भी बहुत हेल्प किया रंगोली बनाने में। ये रंगोली बन गई है एंड वहाँ से ये जो कलश है छोटा सा वो यहाँ पे बैठेगा। तो मैं तैयार हो जाती हूँ, साड़ी पहन लेती हूँ, आने का टाइम हो गया है लड़के वालों का, लड़की वालों के लड़के। डेजी के घर वाले आ गए हैं एंड मम्मी के साथ डेजी के मम्मी भी है। तो देखिए हंसी खुशी सभी से बातें चल रही है। आशीर्वाद सेरेमनी शुरू हो गया है, पहले डेजी के घर वाले आशीर्वाद देंगे। तो ये मिठाई खिला रही हैं अभी डेजी की बड़ी दीदी। पहले प्रशंजीत यानी कि मेरा जो देवर है का नाम प्रशंजीत है, तो उसके जो ससुराल वाले हैं वो लोग आशीर्वाद देंगे एंड उसके बाद फिर हम आशीर्वाद देंगे। तो ये देखिए जो रिचुअल होता है वो आप देख पाएंगे। तो टीका लगाते हैं देन হচ্ছে তো ভিডিওটা সবাই লাগে
लड़की वालों के तरफ से सभी ने आशीर्वाद दे दिया। अभी हमारे तरफ से जितने भी लोग हैं बड़े, वो लोग मेरे देवर को आशीर्वाद देंगे। तो ये पहले मम्मी दे रही है। বিরিয়ানি মিঠাই তো আমি খাম নয়, সামনে কয়েকটা কিসের জন্য खाना पीना भी हो रहा है, सब लोग खा
मैं जाम अपना लेकर घर एक दिन कोई जाम में नियंत्रण करता हूँ ना पार्टी आज ही मैं काट रहा हूँ आज ही ऐसे मीटिंग में आज का फंक्शन यहीं पे ख़त्म होता है एंड सभी ने खाना खा लिया है तो डेजी के घर वाले अभी जा रहे हैं तो सी ऑफ कर रहे हैं हम तो ये लड़की वालों ने लाया है तो ये लड़की वालों ने ये जो लाया था वो अभी हम लोग खोल के देखेंगे कि क्या क्या है दूल्हे से ज्यादा हम बेकरार है देखने के लिए कि क्या क्या है इसमें ट्रेडिशनल कुर्ता शादी में पहने का शादी के दिन हाँ धोती कुर्ता ये सिल्क का है सिल्क तो ये क्या है और ये ऐसे ही अच्छा शॉर्ट्स है बनियान खुलो बॉटम देखना ऐसा बोले हम नहीं खुला ले गए ये तो घड़ी जो पहन लिया है और ये शर्ट है शर्ट ना कुर्ता कुर्ता बोलते कुर्ता ही बोलते अच्छा अच्छा ये है शादी का कार्ड खोलो खोलिए देखते हैं शादी का कार्ड ये है लड़कियों के घर से डेजी के घर में अच्छा ऐसा कार्ड है ये आया है आज हमने सब खोल के देख लिया दूल्हे से ज़्यादा दूल्हे से पहले हमने देख लिया अभी थोड़ा सफाई चल रहा है दूल्हे से मैं पूछ लेती हूँ हम लोग ने खोल के देख लिया है क्या चीज़ वो जो तुम्हारे घर से आया है तुम्हारे डेजी के घर से सब देख लिया हमने मैंने ही नहीं देखा वही हम लोग को ज्यादा वो था क्या क्या आया है क्या क्या है वीडियो हाँ अभी शाम के 5 बज रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया तो घर की अभी सफाई चल रही है तो बहुत अच्छा लगा आज का फंक्शन सब कुछ बहुत ही सुंदर से हो गया ज़्यादा देर भी नहीं लगा तो अभी इस व्लॉग को एंड करूँगी क्योंकि मैं भी थक गई हूँ एंड और भी थोड़े कुछ कुछ काम है जो करने वाले हैं हम तो वो सब अभी व्लॉग नहीं करूँगी आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको ये आशीर्वाद सेरेमनी का व्लॉग अच्छा लगा है इफ़ यू डू सो देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब से तो एक के बाद एक शादी का व्लॉग्स आने वाला है सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ तो इसके बाद तो शायद मैं करवाऊँगी मेरा नेल एक्सटेंशन जो आज नहीं कल या परसों देखती हूँ
ये 2-3 दिन में मैं करवा सकती हूँ नेल एक्सटेंशन। तो फिर मेहंदी भी लगवाना है, तो मुझे तो मेहंदी लगवाने का बहुत शौक़ है, तो वो सब भी होगा। एंड अभी बाहर बहुत बातें चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। सो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।